हाय कृष्णा। तो आज हम श्री बृहद भागवतामृत से कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बृहद भागवतामृत क्या है, ये इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज को 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवतम की वह कथा सुनने के बाद इधर आगे बढ़ जाए। श्रीमद् भागवतम की कथा वो सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूरी तरह से वो निडर हो गए। उन्हें मृत्यु का परीक्षित महाराज को कोई भी भय नहीं था। वो पूरी तरह से एकदम रेडी थे कि वो जो तक्षक नाग है वो आकर के उन्हें डसे और आराम से वो भगवान के धाम वो वापस चले जाएं। तो वो पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उस वक्त उनकी माता उत्तरा वो उनके पास आती हैं और उन्हें पता था कि बस कुछ ही मिनटों में परीक्षित महाराज अभी शरीर छोड़ देंगे। और वो बहुत दुखी थी क्योंकि वो ऑलरेडी विधवा थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके जो पति थे अभिमन्यु, यानी परीक्षित महाराज के जो पिता थे, वो पहले से ही मतलब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। महाभारत के युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और अभी उनका सिर्फ एक ही जो पुत्र था, एक ही जो बेटा था, वो भी कुछ ही देर में अपना शरीर छोड़ने वाला था। तो इस कारण से वो बहुत ही दुखी थी। तो उन्होंने आकर के पूछा परीक्षित महाराज से कि तुमने जो सुना है 7 दिनों तक, उसका सार क्या है वो मुझे बता दो, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। जो सार है वो बात बता दो हमें। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अभी तो मेरे जीवन का आखिरी समय है, इस वक्त मुझे चुपचाप भगवान कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप इतना उत्सुक हैं जानने के लिए भगवान कृष्ण की कथा के बारे में, तो मैं भी बोलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो उसके बाद फिर परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को जो बात बताया वो था बृहद भागवतामृत। तो यही बृहद भागवतामृत है, यानी ये सार है। सारे सनातन गोस्वामी से बोलते हैं कि पूरे श्रीमद् भागवतम का सार ही नहीं, ये जितने भक्ति के शास्त्र हैं उन सब का ये सार है। तो देखिए, बृहद भागवतामृत में 2 सेक्शन हैं। एक नारद मुनि की खोज, सबसे जो उत्कृष्ट कोटि का वैष्णव है, जिसे भगवान की सबसे ज्यादा कृपा मिली है, वो उसका एक पार्ट है। और एक ब्रजवासी जिसका नाम की गोप कुमार है, उसकी खोज की सबसे ऊंचा परफेक्शन, सबसे ऊंची सिद्धि क्या होती है, ये 2 पार्ट हैं उसके। तो हम लोग बृहद भागवतामृत का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी नारद मुनि जो की जो खोज है कि सबसे बेस्ट वैष्णव, वो वैष्णव जिससे भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त है, वो कौन है। तो ये जो बृहद भागवत अमृत है, हमारे आचार्यों की कृपा से ये हमारे पास मिला है। सनातन गोस्वामी जी ने इस इतने महत्वपूर्ण शास्त्र को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो ये सिर्फ एक वैसी किताब नहीं है कि हम कैसे भी पढ़ लें, ये वो एक किताब है जिसमें मतलब सार है, यानी जो भगवान की भक्ति का इसेंस है, पूरा श्रीमद् भागवतम या सारे धर्मशास्त्र, उन सब का जो एकदम सार है, जो एकदम छोटे समय में किसी को समझाना हो, कि जिनके पास उतना समय नहीं हो, तो उनके लिए ये श्री बृहद भागवतामृत है। तो शुरुआत करने से पहले हम 6 गोस्वामियों के चरणों पे हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम समझ नहीं सकते इस बृहद भागवत अमृत को। और बृहद भागवत अमृत
सनातन गोस्वामी ने वो लिखते हैं, देखिए उनकी क्या नम्रता है, कि वो लिखते हैं कि मैं इस किताब को समझ पाया और आपको प्रस्तुत कर पाया क्योंकि मुझे चेतन महाप्रभु की कृपा मिली है रूप गोस्वामी के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, वो बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी के द्वारा मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। तो देखिए ये बहुत ही एक देखिए कितना महत्वपूर्ण बात वो बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी के द्वारा। रूप गोस्वामी उनके एक प्रकार से देखें तो उनसे छोटे थे, रूप गोस्वामी वास्तव में सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी के कारण मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। तो ये वैष्णव की नम्रता होती है कि वो बड़े या छोटे नहीं देख रहे। सनातन गोस्वामी को लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी ऐसी कृपा मिली कि मैं समझ पा रहा हूँ बृहद भागवतामृत को, तो ये सिर्फ और सिर्फ रूप गोस्वामी की कृपा के कारण ही है। तो ये जो बृहद भागवतामृत था ये जैमिनी ऋषि, देखिये उन्होंने जन्मेजय महाराज को बताया था और वहां से ये रिकॉर्डेड है। तो जन्मेजय महाराज ये थे परीक्षित महाराज के पुत्र। परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने जो ये सारे सांपों को मारने के लिए भी यज्ञ किया था, जो भागवतम में हिस्ट्री आती है, ये वही जन्मेजय महाराज है जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। तो जन्मेजय महाराज एक बार बहुत क्रोधित हो गए थे क्योंकि उनके पिता परीक्षित महाराज को तक्षक ने डस लिया था। तो एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें कि वो सारे सांपों के दुनिया में जितने सारे सांप थे उनकी बलि देना चाहते थे। तो उसके बाद फिर भगवान ब्रह्मा आकर के उन्हें रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करने के लिए। तो यही जन्मेजय महाराज हैं, तो ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये एक बार जैमिनी ऋषि से महाभारत सुन रहे थे। तो देखिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यासदेव महाभारत में खुद ये बात बताते हैं कि जो महाभारत उन्होंने लिखा है वही सिर्फ महाभारत का एक वर्जन नहीं है, महाभारत के और भी बहुत सारे वर्जन हैं। जैसे हमारे पास जो व्यासदेव का महाभारत है उसमें जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। उसमें भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। उसमें किस प्रकार से ऊंचे धर्म क्या है, नीचे धर्म क्या है, एक क्षत्रिय का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, ये सारे सांसारिक धर्मों का बहुत ज्यादा विवरण है, उनका एनालिसिस है। लेकिन भगवान की जो डायरेक्ट भक्ति है श्री कृष्ण भगवान की, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन व्यासदेव बताते हैं कि और भी बहुत सारे महाभारत के ये वर्जन्स हैं जो कि हमारे धरती पर नहीं है, ये स्वर्ग लोक पे या और ऊंचे प्लैनेटरी सिस्टम्स में वहां पर अवेलेबल हैं। तो वहां पर जो महाभारत है वो तो भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति को सेंटर में रख के बनाया गया है। इस महाभारत में जब भगवान कृष्ण सीन में एंटर करते हैं तब तो वो प्रोमिनेंट है, लेकिन अदरवाइज वो उतने प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये जो महाभारत जैमिनी ऋषि महाराज जन्मेजय को सुना रहे थे, उस महाभारत में भक्ति प्रोमिनेंट थी। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं वो उनका ज्यादा डिस्कशन नहीं था। उनका बेसिस था कि जो पांडवों और कृष्ण के बीच में जो भक्ति का आदान प्रदान है वो उसमें ज्यादा फोकस में था, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा की गई थी। तो जैसे कि व्यास देव का महाभारत का जो एक मतलब सप्लीमेंट्री लिटरेचर है, यानी उसको एक्सप्लेन करता है कि व्यासदेव के महाभारत को थोड़ा प्रॉपरली, वो हरिवंश पुराण है। तो उसी तरह से जैसे हरिवंश व्यासदेव के महाभारत के लिए एक सप्लीमेंट्री लिटरेचर है, उसी तरह बृहद भागवतामृत ये जैमिनी ऋषि जो महाभारत सुनाए थे जन्मेजय महाराज को, उसका एक सप्लीमेंट्री लिटरेचर है। तो और सिर्फ उसका ही नहीं, ये श्रीमद् भागवतम और सारे वो शास्त्र जो भक्ति के शास्त्र हैं उन सबका ये सप्लीमेंट्री लिटरेचर है। तो हम समझ सकते हैं कि बृहद भागवतामृत का क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए बृहद भागवतामृत कहाँ से शुरू होता है कि एक बार माघ के महीने में प्रयाग में जबकि कुंभ मेला लगा हुआ था, तो वहां पर
बहुत सारे साधु इकट्ठा हुए थे गंगा यमुना सरस्वती का जो कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ पर कि वो तीनों नदियाँ मिलती हैं, उस जगह पर वो मिले। और मिलने के बाद वहाँ पर वो लोग नहाए। जब कुंभ मेला होता है तो बहुत अलग अलग जगहों से लोग पहुँचते हैं वहाँ पर नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर वो वेणु माधव का जो वहाँ पे एक मंदिर है वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे पूजा की, और पूजा करने के बाद वो एक दूसरे की बहुत तारीफ कर रहे थे, अरे आप बहुत महान वैष्णव हैं, आपको भगवान की बहुत असीम कृपा प्राप्त है, सबसे अधिक कृपा आपको प्राप्त है भगवान की। तो इस प्रकार से सारे, क्योंकि वैष्णवों का गुण होता है कि वो एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं, एक दूसरों में अच्छे गुण वो देखते हैं, तो वहाँ पे जितने वैष्णव थे वो सारे इस प्रकार से तारीफ कर रहे थे एक दूसरे की। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आता है दशाश्वमेध घाट पर, तो उसने मिट्टी से ही एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसके ऊपर उसका गुंबद जो कैनोपी होता है वो सब भी बनाया, उसके अंदर उनके पास एक शालिग्राम शिला थी उसको रखा, उस पर जल चढ़ाया, उनसे अच्छी बहुत अच्छे से पूजा की, फिर शालिग्राम शिला को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वहाँ पर जितने ब्राह्मण थे उनको दान दक्षिणा दिया, उनको भी प्रसाद खिलाया, फिर जितने और लोग थे उनको भी अच्छे से सबको दान दक्षिणा दिया, और इवन जो जानवर थे उनको भी सारा प्रसाद खिलाया। तो इतना कुछ हो जाने के बाद वो जब वेणु माधव मंदिर में आया तो नारद मुनि भी वहीं पर थे, इन सारे साधुओं के साथ साथ नारद मुनि भी वहीं पर थे। तो नारद मुनि, तो ये सारे साधु एक दूसरे को जब बोल रहे थे कि अरे आप सबसे महान वैष्णव हैं, आपको भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है, तो नारद मुनि भी उसी साधुओं के ग्रुप में थे, और इस ब्राह्मण को देख करके जो कि शालिग्राम शिला की इतने अच्छे से पूजा आराधना करने के बाद उसने सबको इतना दान दक्षिणा भी दिया, तो उसे देख करके नारद मुनि बोलते हैं कि यस मिल गया, आप वो ब्राह्मण हैं, आप वो भक्त हैं जिसको कि भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपका शरीर मन और आपके वाक्य सब भगवान कृष्ण की सेवा में एकदम पूरी तरह से लगे हुए हैं, इसीलिए आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो ये सुन करके वो ब्राह्मण वहां पर सर झुका करके बैठ गया, वो बोलता है कि हे नारद मुनि ये आप क्या बोल रहे हैं, अरे मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ इस जड़ जगत का, मैं कितने लोगों को प्रसाद खिला सकता हूँ, कितने लोगों को दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर आप वास्तव में एक कृपा प्राप्त वैष्णव को देखना चाहते हैं तो दक्षिणी देश में एक बहुत महान राजा हैं, आप उनके पास जाइए, वो ऐसे वैष्णव हैं, उन्हें भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त है कि उनके राज में सारी जनता वैष्णव है, सारी जनता भगवान के भक्त हैं, उनके राज में न जाने कितने सारे मंदिर हैं जिनमें कि रोज भगवान की सेवा में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, और उनके राज्य में आसपास के सभी राज्य से जितने वैष्णव हैं वो सब वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, और तो वो इतने अच्छे वैष्णव हैं कि उनकी उनके प्रताप के कारण प्रकृति अपने आप सारा कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप वो सप्लाई करती हैं, पहाड़ों से मणियाँ अपने आप निकलती हैं, जमीन से बिना हल चलाए अपने आप फसल निकलती है, क्योंकि धरती माता इतनी खुश हैं उनकी भक्ति के कारण कि वो अपने आप अपना खजाना उनके ऊपर लुटाते रहती हैं, और सारे वैष्णव मिलकर के भगवान की बहुत अच्छे से वहाँ पर सेवा करते हैं, और लगातार वहाँ उस राज्य में एक ही कार्य है कि सब मिलकर के भगवान के त्योहारों को मनाते रहते हैं। तो ऐसे राजा को वास्तव में कहा जा सकता है कि वो भगवान की सच्ची कृपा प्राप्त किया हुआ है, तो आप उनके पास जाइए अगर आप सच्चे वैष्णव देखना चाहते हैं तो। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए, वो बोलते हैं कि अवश्य मैं उधर जरूर जाऊंगा और ये राजा से जरूर मिलूंगा। तो तुरंत नारद मुनि वहां से निकल पड़ते हैं प्रयाग से। तो जब इस राजा के राज्य में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पूजा की सेरेमनी चल रही थी और राजा उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो सारा सेरेमनी देख करके नारद मुनि बहुत इंप्रेस होते हैं कि अरे इतने अच्छे से भगवान की सेवा पूजा इस राज्य में चल रही है और पूरी जनता शामिल है, महाराज खुद कर रहे हैं, किसी पुजारी को रख के करवा नहीं रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं।
तो ये सारा कुछ देखने के बाद वो जाते हैं उस राजा के पास। तो राजा तो नारद मुनि को देख करके फिर प्रणाम करता है, और फिर वो नारद मुनि बोलते हैं, यस आप हैं, आप वो व्यक्ति हैं जिसे भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप किस प्रकार खुद तो भगवान की सेवा कर ही रहे हैं और अपने पूरे राज्य को भगवान के सेवा में आपने नियुक्त कर दिया है। तो इसीलिए मेरा ये कंक्लूजन है, मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि आप ही को भगवान की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त है। तो ये सुन करके उस राजा ने भी अपना सर झुका लिया और शर्म से वहीं पर नीचे बैठ गया। वो बोलता है कि हे नारद मुनि, आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कितना भगवान की सेवा कर सकता हूँ और मैं लोगों को कितना दान दक्षिणा दे सकता हूँ और कितने लोगों को मैं भक्त बना सकता हूँ? अरे वास्तव में अगर आपको भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त देखना है तो आपको स्वर्ग लोक जाना चाहिए, वहां पे इंद्रदेव वो सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं। अरे मैं तो कुछ लोगों को प्रसाद दे सकता हूँ, वो तो पूरे जगत में बारिश कराते हैं और भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान खुद उनके छोटे भाई के रूप में वहां पर उपेंद्र के रूप में उनको जब आहुति देते हैं तो वहां पर प्रकट होते हैं और साक्षात प्रकट होके यज्ञ की आहुति को स्वीकार करके वो लेकर के जाते हैं। वो सारे देवताओं के राजा हैं, पूरे यूनिवर्स का मैनेजमेंट संभालते हैं, मैं तो बस एक राज्य का मैनेजमेंट संभालता हूँ। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने उन्हें दी है क्योंकि भगवान को उनके ऊपर इतना भरोसा है। तो ये सबसे बड़े वैष्णव हैं। आपको अगर वास्तव में एक बड़े वैष्णव को देखना है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। तो नारद मुनि ये सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा, स्वर्ग लोक जाऊंगा और सबसे बड़े वैष्णव इंद्र से अवश्य मिलूंगा। तो पूरी तरह से खुश होकर के नारद मुनि उस राजा को आशीर्वाद दे करके परमिशन लेकर के फिर वापस चले आते हैं और स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। तो नारद मुनि जब स्वर्गलोक पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के वो देखते हैं कि इंद्र महादेव भी एक बहुत बड़े यज्ञ सेरेमनी में पूरी तरह से बिजी थे और वहां पर भी बड़े बड़े गंधर्व अप्सराएं सब इंद्रदेव की ग्लोरीज को उनकी उनको गा रहे थे, कीर्तन भी तो गा ही रहे थे, उसके साथ साथ इंद्रदेव की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। और इंद्रदेव वहां पर बैठे हुए थे, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, पूरा सब अच्छे से भगवान की पूजा चल रही थी और यज्ञ पूरा संपन्न होता है। तो जितने देवी देवता थे वो सारे इंद्रदेव का फिर से तारीफ करते हैं, भगवान खुद प्रकट होते हैं, आहुति लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सारा सेरेमनी पूरा करने के बाद नारद मुनि को देख करके ये बहुत प्रसन्नता हुई कि अरे ये तो और भी अच्छे तरीके से भगवान की इतनी अच्छे से पूजा कर रहे हैं। तो इतना देख के नारद मुनि बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद जब इंद्रदेव सारा अपना पूजा उजा का कार्य समाप्त करके सारे देवताओं से विदा लेकर के फिर बाहर निकलते हैं तो उसके बाद फिर नारद मुनि के पास जाकर के बोलते हैं कि हाँ आप हैं, आप ही वो वैष्णव हैं जिसे भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त है, आप ही वो वैष्णव हैं, आप ही सबसे महान वैष्णव हैं। ये सुन करके इंद्रदेव एक शर्म के मारे अपना सर झुका करके वहीं पे बैठ जाते हैं और तुरंत फिर बोलते हैं कि हे नारद मुनि, आप इस प्रकार बोल करके क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे आपको क्या पता नहीं कि मैं क्या मैं जब यहाँ पे हमला हो जाता है स्वर्ग पे, राक्षस असुर हमला कर देते हैं तो मैं देवताओं के साथ अपना मुंह छुपाते हुए फिरता हूँ हर जगह, हमेशा मुझे भय रहता है कि मेरी गद्दी ना छिन जाए, मेरे पोस्ट पर कोई और हमला करके उसे पर कब्जा ना कर ले। और आपको तो यहाँ तक बताऊं कि अभी अभी बलि महाराज ने मेरे और मेरे सारे देवताओं का सारा जितना पोस्ट था सब ले लिया और उसके बाद फिर हम ऐसे ही मारे मारे पूरे ब्रह्मांड में फिर रहे थे। हमारी माता अदिति ने प्रार्थना करके भगवान विष्णु को बोला कि हमें हमारा राज्य वापस किसी प्रकार वो दिलाएं, तो भगवान वामन देव आए तो लेकिन हमारी तरफ से एक क्षत्रिय के जैसे लड़ने के को तो छोड़ करके उन्होंने एक भिखारी के जैसा भिक्षा मांग करके हमें राज्य दी, इससे बड़ी हमारी इंसल्ट क्या हो सकती है? तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि अरे हम भगवान के सबसे बड़े वैष्णव हैं? देखिए मैं तो इतना पतित हूँ,
कि मैं ब्राह्मणों का अपमान करता हूँ, मैंने अपने गुरुदेव उनका बृहस्पति जी का उनका भी अपमान किया, मैंने विश्वरूप उनको अपने तलवार से गर्दन काट करके उड़ा दिया जो कि एक बहुत महान ब्राह्मण थे, दधीची ऋषि को मैंने अपने स्वार्थ के लिए उनकी हड्डियां मांग ली, और इवन की महा भगवान के जो महाभागवत वैष्णव थे वृत्रासुर उनको भी मैंने अपने वज्र से मारा। इतना अपराध करने के बाद भी मैं भगवान का महान वैष्णव कैसे हो सकता हूँ? भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने मेरी जो स्वर्गलोक में सुधर्मा सभा थी, जहाँ पे वो जो पार्लियामेंट था स्वर्गलोक का सुधर्मा, उन्होंने मुझसे कुछ बोले बिना पूछे बिना सीधे उठा करके लेकर के चले गए अपने द्वारका नगरी में, जो कि आज भी सुधर्मा वहीं पर है भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी में जो उनका सभा है। और उसके अलावा हमारे जब अगली बार वो आए थे तो पारिजात का वृक्ष भी लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी सत्यभामा वो पारिजात के फूल चाहिए थे, तो वो हमारा पूरा पारिजात का वृक्ष ही लेके जा रहे थे। लेकिन इस बार तो मैं उनसे लड़ा, मैंने अपनी सेना के साथ हमला किया और उन्होंने मुझे हरा दिया। तो देखिए मैं तो ऐसा, आप कैसे कह सकते हैं मैं भगवान का बहुत बड़ा वैष्णव हूँ, मैं तो खुद उनसे लड़ा। अरे ब्रजवासी मुझे साल में एक बार मेरी पूजा करते थे, तो भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने मेरी साल में जो एक बार पूजा होती थी वो भी ब्रज में रुकवा दी। और उसके बाद फिर किसकी पूजा, एक पहाड़ गोवर्धन की पूजा उन्होंने करने को बोल दिया, और मैं बहुत क्रोधित हो गया और मैंने सोचा कि पूरे वृंदावन जो भगवान का खुद का धाम है उसको मैं नाश कर दूंगा। तो उसका भी उन्होंने गोवर्धन उठा करके मेरे सारे अहंकार को चूर कर दिया। मेरा सबसे जो बहुत पसंदीदा वन था खांडिव वन, उस वन को भी जब अग्निदेव को भूख लगी थी तो भगवान ने उन्हें ये भेंट में चढ़ा दिया, तो अग्निदेव ने उस खांडिव वन को जला करके राख कर दिया, जबकि भगवान जानते थे कि मेरा सबसे पसंदीदा वन है। तो मैं जब यज्ञ करता हूँ तो बात सही है कि भगवान यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और आकर के हमारे आहुति लेकर के जाते हैं, लेकिन ये मेरे कारण नहीं है, ये तो मेरे पिता और माता जो कश्यप मुनि और अदिति हैं उनकी भक्ति के कारण भगवान ब्रह्मा यहाँ पर आते हैं। अरे भगवान यहाँ पर खुद यहाँ पर आते हैं, भगवान जो उपेंद्र हैं वामन देव हैं वो आकर के यहाँ पर लेकर के जाते हैं। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो एक पतित जीव हूँ जिसने इतने अपराध किए हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप एक अच्छे वैष्णव से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप भगवान ब्रह्मा के पास जाइए। अरे भगवान ब्रह्मा वास्तव में सच्चे वैष्णव हैं। देखिए उनका जीवन कितना है, हजार महायुगा उनका एक दिन होते हैं, यानी हजार महायुग में मेरे जैसे 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं। जैसे हमने देखा कि 14 मनु होते हैं भगवान ब्रह्मा के एक दिन में, तो 14 बार यूनिवर्स की गवर्नमेंट चेंज होती है। तो वो बता रहे हैं कि 14 बार उनके एक दिन में, भगवान ब्रह्मा का एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र आकर के चले जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा 100 सालों तक रहते हैं। तो वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता वो हैं, और जितने जीव हैं उन सब के वो दादा हैं, ग्रैंडफादर। और तो और वहां पर मेरे पास तो जब मैं आहुति देता हूँ तब भगवान आते हैं, आहुति लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद मुझसे एक शब्द भी नहीं बात करते। लेकिन भगवान ब्रह्मा के लोक में तो भगवान सदा महापुरुष के रूप में हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहते ही हैं। तो वो सबसे बड़े वैष्णव है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में एक जगह है जो कि एक छोटा वैकुंठ है, वो उस जगह पे आदि पुरुष महापुरुष के रूप में वहां पे भगवान हमेशा विराज करते हैं। तो इस कारण से वो सबसे महान वैष्णव है। तो आप अगर सबसे महान वैष्णव का दर्शन करना चाहते हैं तो आप भगवान ब्रह्मा के पास जाइए। तो नारद मुनि फिर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं भगवान ब्रह्मा के पास ही जाऊंगा और वहीं पर जाकर के मैं उनसे ही मिलूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार बोल करके नारद मुनि वहां से भी निकल पड़ते हैं। तो भगवान ब्रह्मा से मिलने के बाद आगे की जो कथा है उसको हम लोग कल करेंगे, लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हम अभी तक के डिस्कशन से देख सकते हैं कि देखिए वैष्णवों के क्या गुण होते हैं, वो कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने
से उन्हें कभी कोई प्रसन्नता नहीं मिलती, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट, वो दूसरे वैष्णवों के अंदर अच्छे गुण देखते हैं और उनकी हमेशा तारीफ करते हैं और हमेशा अपने आप को निम्न श्रेणी का ही समझते हैं। तो ये सारे वैष्णवों के अंदर हम देख सकते हैं कि वो कभी भी अपनी तारीफ सुनने में कभी भी उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती है, और दूसरों की तारीफ वो इस प्रकार करते हैं जैसे कि उनके पास 1000 मुंह हैं। तो हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि इस प्रकार की जो क्वालिटी है, इस प्रकार का गुण हम अपने अंदर, ये वैष्णवों का गुण है, हम अपने अंदर कितना डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि वैष्णवों की ये पहचान है कि जिस प्रकार जितना, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने आप अपने भक्ति में तरक्की कितनी हुई है, इसी से आप नाप सकते हैं कि आपके अंदर ये गुण कितना आया कि आप अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि आप रेडी हैं अपने आप को पतित मान करके दूसरों को महान वैष्णव मानने का, उनकी तारीफ, उनकी उनका ग्लोरिफिकेशन करने का, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनने का। तो हम इससे अपनी भक्ति का लेवल नाप सकते हैं, और अगर हमें लगे कि नहीं, हम इतने एडवांस नहीं हैं, हम अभी दूसरों की तारीफ से ज़्यादा अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एज एन ऑस्टेरिटी, एक तपस्या के रूप में हमें ये कार्य फिर भी करना चाहिए कि अपनी तारीफ छोड़ करके दूसरों के अच्छे गुण, उनकी बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो एक दिन हम सच्चे हृदय से भी कर पाएंगे, कम से कम अभी आर्टिफिशियली भी करते हैं तो एक दिन सच्चे हृदय से भी हम कर पाएंगे। और वास्तव में भगवान बोलते हैं कि अगर किसी वैष्णव को कोई बहुत अच्छी कृपा मिली है, कोई बहुत बड़ी कृपा मिली है, इसने कोई बहुत बड़ा सेवा किया है, तो इसे देख करके अगर आप सिर्फ प्रसन्न होते हैं तो उस प्रसन्नता के कारण आपको वो जो दूसरे वैष्णव ने को जो कृपा मिली है उसके बराबर की या उससे ज्यादा कृपा भी मिल जाती है। तो ये एक भक्ति का अमेजिंग मैथमेटिक्स है। अगर कोई दूसरा वैष्णव है, उसे बहुत बड़ी कृपा मिली है, उसने बहुत बड़ी कुछ सेवा की है, और उसे देख करके आप सिर्फ प्रसन्न होते हैं, आप उससे ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो उतने से भगवान आपको उससे बड़ी कृपा दे रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। तो ये वैष्णव का सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो अलग अलग लीलाओं में बाहर निकलता है कि अपने आप को निम्न मानना और दूसरों को हमेशा उनके अच्छे गुण देख करके उनकी तारीफ करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जिसके ऊपर हमें फोकस करके वर्क करना चाहिए और डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर अपना डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।